समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को सेल्समैन करौंदी गुड़ हीरामणि खान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। आज का दिन कुछ कैदियों के लिए आजादी लेकर आया है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और यही आजादी आज रीवा केंद्रीय जेल के कुछ कैदियों को भी मिली है। हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 13 कैदियों को आज रिहा किया गया है। ये कैदी रीवा सीधी शहडोल मऊगंज अनूपपुर जिले के निवासी हैं, जो 302 के अपराध पर केंद्रीय जेल रीवा में सजा काट रहे थे, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजा में छूट का लाभ दिया गया है और इन कैदियों को आज जेल द्वारा रिहा किया गया है। इन कैदियों को जेल में जीवन यापन के लिए विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं, जिसे माध्यम बनाकर कैदी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप सभी को विंध्या टाइम्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 203 केस में आया था। 302 में। अच्छा, क्या कैसे किसका आरोप लगा था आप पर, कहां घटना हुई? मेरा अचानक भयानक बीवी की घटना हो गई। बीवी का? अच्छा जी। ये आपका हाथ? हाँ, उसी घटना के दौरान पे मेरा हाथ भी चला गया। आपको कोई मारा था? जी नहीं। फिर कैसे गया? ये लाइट से जल गया। बीवी के साथ घटना कैसे हो गई थी? सर पे लोहा गिर गई। अच्छा। घर में कितने साल क्या सीखा है आपने जेल के अंदर? ये झाड़ू कमान में ड्यूटी करता था सर। अब जैसे बाहर जाएंगे तो क्या आगे क्या हो गए? अब दो लड़का एक लड़की है, अब उन्हीं के सहारा में जीऊँगा। अपने घर में पहले मैं लोहारी गिरी के काम करता था, अब तो विकलांग हो गए, कहाँ कर पाऊँगा। क्या नाम आप? छोटे लाल उर्फ अली सना बुद्धूलाल अगरिया। कहाँ रहने वाले? मैं पोंगरी हूँ, ग्राम का उस शहडोल जिला। जी, क्या अपराध क्रमांक का? 302। कब आए थे? 2010। कैसे क्या वो पूरी आरोप कैसे लगा था? कैसे जेल? आरोप परिवार वालों ने लगा दिया था। अच्छा, गिर के ख़त्म हो गए, परिवार वालों ने बता दिया कि मार डाले हैं। जी, क्या सीखा आपने जेल के अंदर? संगीत सीखे जी सर। आज रिहा हो रहे हैं जी, अब समाज में क्या चल रहा है? क्या करेंगे आगे? समाज में जाके जो पहले करते थे पुरोहिती का कार्य, वही करेंगे सर, अभी भी करेंगे जी। अंदर क्या सीखा? कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है भैया। अपराध पे किया था आपने, कौन सा अपराध था, किस तरह का अपराध था, आप कैसा? चलिए बहुत हो गया टाइम। क्या नाम है? आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 13 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिला करके कुल 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन के पास भेजा गया था, जहां से राज्य शासन के द्वारा इन सभी कैदियों को रिहाई हेतु पात्र माना गया है। तो इनको सजा में माफ़ी प्रदान करके आज इस पवित्र दिन पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों ने जो भी जेल में रहकर प्रशिक्षण अर्जित किया है, उसके तहत ये बाहर अपना रोजगार अर्जित करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनको हम लोगों ने ये शिक्षा दीक्षा दी हुई है कि बाहर जा कर के पुनः कोई ऐसा अपराध न करें जिनको फिर से इनको जेल आना पड़े। साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हमने संबंधित जिलों के कलेक्टर महोदयों को, जिला पंचायत सीओ को, साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग को भी पत्राचार किया है, ताकि शासन की जो भी योजनाएँ संचालित हो रही हैं तो उन योजनाओं का लाभ कैदियों को भी हमारे प्राप्त हो सके। सर, किन कैदियों को रिहाई के लिए आप लोग रिकमेंड करते हैं और किन को नहीं करते? सरकार ने 22 सितंबर 2022 को जो पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी के तहत पॉक्सो एक्ट है, 376 है, देशद्रोह संबंधित जो भी मामले हैं, ऐसे कैदियों को रिहाई हेतु पात्र नहीं माना जाता है। बाकी ऐसे कैदी जो इन शर्तों का, इन मानदंडों का जो शासन ने
22 सितंबर 2022 को पॉलिसी बनाई है उनको पूरा करते हैं उन्हीं कैदियों को रिहाई हेतु पात्र घोषित किया जाता है और फिर राज्य शासन उनको अप्रूवल देती है। पिछली बार 14 कैदियों। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों एवं गुढ़ वासियों को गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुक्रमण तिवारी और अध्यक्ष नगर परिषद गुढ़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।